दिसंबर का एक परीक्षा फॉर्म आ चुका है और उसी के साथ आ चुकी है बहुत सारी नए नए सवाल और प्रॉब्लम्स। जी हाँ, आप सबको पता है कि इग्नू की तरफ से दिसंबर का एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज हो चुका है और ये तारीख है 12 अक्टूबर की, लास्ट डेट है 10 नवंबर। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हालांकि आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि इतने समय में बहुत सारे लोगों ने आपको खबरें दे दी होंगी, लेकिन सबसे अहम खबर जो इस समय की निकल के आ रही है इग्नू की तरफ से, वो इग्नू ने क्या झटका दिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। डेट शीट भी रिलीज हो चुकी है, उसके साथ आपको बता दूं कि कैसी होगी एग्जामिनेशन की मोड, वो भी यहाँ पे बताया जा चुका है। और उसी के साथ आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन शुल्क आपको फिर से देने होगी और असाइनमेंट सबमिशन का डेट यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है। बहुत सारे सवाल, और इसी के साथ आप अगर चाहें तो आपको एक अवार्ड भी मिल सकता है। बस आपको इग्नू का स्टूडेंट होना पड़ेगा और स्टूडेंट आपने पढ़ाई कर रखी है। इसके लिए आपको बता दूं यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप 20,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी फ्री में। क्या करना होगा प्रोसेस, उसके लिए ज़रूर इस पूरे वीडियो को देखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है आपका रेशम क्लासेस। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी और लेटेस्ट खबरें आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन वेट, ये एक इन्फॉर्मेटिव चैनल नहीं है, इस पर आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर और उसी के साथ असाइनमेंट और आपके ऑन डिमांड पर एक स्पेशल नोट कि कैसे एग्जामिनेशन को बस कुछ दिनों में क्लियर करते हैं और टॉपर्स कैसे नोट्स लिखते हैं। तो प्लीज़ इस पूरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और हमें उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और उसी के साथ जैसे हमने आपके साथ इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की आपकी भलाई के लिए और आपके लिए सबसे अच्छी पोस्ट और सरकारी सुविधाओं के लिए, तो जल्दी से जल्दी देखिए कितनी सारी सरकारी अपडेट आपके लिए आई है और आपके हाथों से ये निकलती जा रही है, छूटती जा रही है। तो आप भी मौका ना छोड़े एक अच्छा टीचर बनने का या फिर डाक सेवक बनने का या सिलाई मशीन जैसी योजनाओं का फायदा उठाने का। तो इसीलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और वीडियोस एंड स्क्रीन पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कम टू द पॉइंट। और यहाँ पे आपको बताते हैं एग्जाम फॉर्म आ चुका है और पूरी तरह से एक स्पष्ट भाषा और हिंदी के थ्रू बिना किसी रोक टोक के हम आपको बताते हैं इसके सिंपलेस्ट लैंग्वेज क्या क्या बदलाव किए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और सिर्फ इसी के साथ ही नहीं, आपको बहुत सारी चीजें और पता चलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि 12 तारीख से शुरू हो चुकी है यहाँ पे फॉर्म एप्लीकेशन की डेट, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आपको पता होगा यहाँ पे 10 नवंबर से एग्जामिनेशन 10 नवंबर 2020 तक विदाउट लेट फाइन आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो भरने के लिए अलाउ किया जा रहा है। सेंटर को लेके भी काफ़ी बदलाव हुए हैं, अगर आपको नहीं पता तो सेंटर को लेके भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। अब आप यहाँ से परीक्षा का सेंटर भी बदल सकते हैं और इसीलिए आप अगर कहीं वैकल्पिक है आपके पास ऑप्शन है तो आप जो है यहाँ पे अपना सेंटर बदल सकते हैं, क्योंकि इग्नू ने बहुत सारे नए सेंटर भी कोविड को देखते हुए हायर किए हैं, रिलीज़ किए हैं सेंटर्स के नेम कि आप इसके थ्रू आप यहाँ पे नए सेंटर है अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं इस पूरे फॉर्म में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपने एक अनाउंसमेंट यहाँ इग्नू की तरफ से नहीं सुनी है कि अब आपको एक अवार्ड दिया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और इस अवार्ड के थ्रू आपको एक अच्छी खासी रकम दी जाएगी। तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर स्टूडेंट्स इनोवेशन अवार्ड 2020 फ्रॉम इग्नू स्टूडेंट्स। और इसके लिए देखिए ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे एक फॉर्म भी रिलीज हुआ है। इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, कैसे कर सकते हैं आप इसके लिए अप्लाई। और उसी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स सबसे सवाल कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा या नहीं, तो ये देखिए पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस अनाउंसमेंट के बारे में। तो इनोवेशन स्टूडेंट्स के अवार्ड को यहाँ पे अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, देखिए
आपको क्यों भाग लेना चाहिए, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। ये एक इनोवेटिव, जैसे इसका नाम है इनोवेटिव अवार्ड, यानी एक आपको इनोवेटिव अवार्ड दिया जाएगा। आपके पास कुछ हुनर है और वो किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे स्वास्थ्य से हैं, कृषि से हैं, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, देखिए थीम क्षेत्र क्या क्या होना चाहिए, तो पूरी यहाँ पर थीम दी गई है, पूरी थीम दी गई है। इस नोटिस को भी आप पढ़ सकते हैं, हम आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थीम क्या है, तो आपको स्वास्थ्य देखभाल, बायोमेडिकल डिवाइस, कृषि और ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसारण और पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें, अक्षय और सस्ती ऊर्जा, ईंधन, आपके पास कोई भी आइडिया है आप उसको बस प्रेजेंट कीजिए, आपको इसके लिए अच्छा से अच्छा अवार्ड मिलेगा। आवेदन कैसे करना है उसके बारे में भी, सिर्फ यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ है। सामाजिक और पर्यावरण मुद्दे, स्मार्ट सिटी और शहरी विकास कैसे हो, और उसके बारे में आपको इंडस्ट्रियल यानी प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्रणाली, इनोवेशन और स्टार्टअप के अन्य उभरते क्षेत्र, यानी आपके हिसाब से क्या स्टार्टअप और क्या आइडिया होना चाहिए हमारे देश को और हमारे देश के व्यापार को कैसे, हमारे यूथ को एक डायरेक्शन हो, इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखिए आवेदन करने के लिए क्या कहा गया है, तो आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट का एक वीडियो क्लिप बनानी होगी और उसको आपको अपलोड करना होगा। सिंपल सा वे है, आप इसमें से क्या आइडिया देना चाहते हैं, इसमें से आपकी प्रतिभा निकलेगी। आप भी इसके लिए ज़रूर इससे जुड़िए, क्योंकि इग्नू इतना अच्छा मौका दे रहा है जहाँ पे आप इंटरनेशनल फेम बन सकते हो। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड इसी बारे में है। इससे आपको बता दूँ कि क्या करना है, कौन भाग ले सकते हैं, तो किसी भी क्षेत्र के स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं। आपको भाग लेने की वजह हम आपको बता दें, आपको जो भाग लेने से आपको क्या फ़ायदा है, सर्टिफिकेट मिलेगी और ट्रॉफी के साथ स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2020 भी मिलेगा, और उसके बाद आपको एक नगद पुरस्कार कितने 10,000, 7,000, 5,000 का एक रकम भी मिलेगी प्राइज के रूप में। COVID-19 की स्थिति अनुमति मिलने पर आमंत्रित भी किया जाएगा पुरस्कार के लिए, फिर आपको आमंत्रित भी किया जाएगा जैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ़ायदा है। तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे, तो इसके लिए सिर्फ सिंपली एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके और आपको इसको फिलअप करके, यानी सिंपली नाम, रोल नंबर, एड्रेस, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और सिंपली आपको यहाँ पे टाइटल ऑफ इनोवेटिव एरिया, आपका इनोवेशन, आपका इनोवेशन का आइडिया क्या है उसको बताना है। बस सिंपली यही करनी है आपको, और फिर आपको इसको अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपका सिग्नेचर और डेट, और उसी के साथ आपको एक वीडियो क्लिप भी यहाँ पे जोड़नी है। तो वीडियो क्लिप भी आपको देनी है, अपलोड करनी है, और बस इतनी ईजी सी चीज़ है, आपको ईमेल कर देनी है। ईमेल का यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, और इसी के साथ ये जो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात के, जो इसके लिए है। अब यहाँ पे परीक्षा फॉर्म पे हम आते हैं। देखिए यह परीक्षा फॉर्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सा कहा गया है। अब यहाँ पे क्या आपको, जो सवाल हमने लिया था कि क्या आपको दिसंबर की एग्जामिनेशन के लिए दोबारा शुल्क लगेगी, तो जनवरी और जून सेशन के लिए यहाँ पे बता दूँ, सिंपली इसमें कहा गया है कि आपको जनवरी से जून सेशन के लिए यहाँ पे कोई फिर से आपको शुल्क जो है नहीं लगेगी। आपको सिर्फ शुल्क लगेगा जो अभी फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए। तो अगर आपसे कोई शुल्क लेता है तो आप प्लीज़ उसे ना दें, क्योंकि इस तरह से आपको सिर्फ ठगा जाएगा। लेकिन इग्नू कभी नहीं कहता कि दोबारा आपको शुल्क लगेगी। जो लोग जून एग्जामिनेशन में अटेंड नहीं हो पाए लेकिन दिसंबर में होना चाहते हैं, उनको कोई शुल्क नहीं लगेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल कर रहे थे। उसके बाद आपको बता दूँ कि दिसंबर परीक्षा के बारे में यहाँ पर आपका असाइनमेंट के लिए डेट एक्सटेंड हुई है। तो लास्ट डेट क्या है, यहाँ पे आपको बता दूँ कि 10 नवंबर तक आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, लेकिन आपका असाइनमेंट जो अपलोड करने का जो डेट है वो आपका जो है वो है आपके लिए 30 नवंबर, यानी 30 नवंबर को आप इसके लिए आपका जो क्लोजिंग डेट है वो, यानी असाइनमेंट आप 30 नवंबर तक सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये नोटिस, जब आप प्रोसेस करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, तब वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, और इसी के थ्रू पता चला है कि 30 तारीख तक
ये आ चुकी है बहुत सारे रीजनल सेंटर्स में भी, लेकिन अभी तक इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे शायद आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि रीजनल सेंटर्स में जो है अगर आप जाओगे तो फिर आपको इन रीजनल सेंटर्स में नोटिस देखने को मिलेगी। तो ये रही बहुत ही टॉप क्लास और सबसे सीक्रेट टाइप की आपकी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन कि 30 नवंबर तक आपका जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है और ऑफिशियली भी ये इग्नू के ऑल इंडिया पोर्टल पे भी ये कह दिया जाएगा। इसके लिए आप टेंशन ना लें। दिसंबर परीक्षा की डेट शीट भी यहाँ पे उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि दिसंबर परीक्षा की डेट शीट क्या होगी। तो डेट शीट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा था, तो उनके लिए आंसर है कि इसकी डेट शीट है अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इसकी डेट जो है वो 1 दिसंबर से एग्जामिनेशन की पूरी यहाँ पे उम्मीद है और ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर से परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक पूरे दिसंबर ही परीक्षा लेनी है और 1 मंथ का पूरा ड्यूरेशन लेना है, तो इसीलिए पूरा दिसंबर लेना होगा, इसलिए 1 दिसंबर से परीक्षा शुरू होगी और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी तक वो है रिलीज हो जाएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म अगर भरते हैं तो बहुत ही केयरफुली भरिए। इसको भरने का प्रोसेस पहले आप इसे अच्छी तरह से रीड करेंगे, फिर इसके लिए प्रोसेस करेंगे, फिर प्रोसेस करने के लिए आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे, देन अपना रोल नंबर और रीजनल सेंटर्स अपना चूज करके सबमिट करना है। पेमेंट आप ऑनलाइन ही करें और डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आप अगर दोबारा इस पर पेमेंट करेंगे तो रिफंड का ऑप्शन बहुत कम होता है, इसीलिए पेमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और जी हाँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप ज़रूर फिलअप कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे और जी हाँ अगले चैनल पे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो और नए नए अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए रेशम क्लासेस के साथ। थैंक यू।